इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा जून मंथ में आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था और इस पर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने अगस्त के फर्स्ट वीक तक बताया था कि रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। उसके पीछे की अपडेट बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर महिला प्रवेशक आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। फिर चाहे वो आपके रिजल्ट को लेकर हो या रिजल्ट जारी होने के बाद उसके कट ऑफ को लेकर हो, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला है, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या रहने वाला, फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी, इन सब की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको पल पल की अपडेट दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं, जब मैंने अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से पूछा था कि महिला प्रवेशक आंगनवाड़ी के परिणामों की भी अपडेट दे दीजिए, तो इन पर इन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, अभी अभी उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आंगनवाड़ी परीक्षा बढ़े हुए पदों की कन्फर्मेशन का विभाग से इंतजार, बाकी सब तैयार। यानी कि अभी तक इनके जो 60 पदों में भर्ती होगी, ऐसा आपको मालूम है, मैंने आपको आज से 10-15 दिन पहले भी बताया था कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में 60 पदों में भर्ती होगी, तो अभी तक उनका कन्फर्मेशन है वो विभाग से प्राप्त नहीं हुआ बोर्ड को। बाकी बोर्ड ने रिजल्ट तैयार किया हुआ है, इन्होंने आगे लिखा है बाकी सब तैयार है, इसलिए अभी तक इन्होंने रिजल्ट जो है जारी नहीं किया था। जैसा कि आपको मालूम है, जुलाई के लास्ट वीक में इन्होंने बताया था कि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और जिसमें आपके 60 पदों में वृद्धि भी होगी। तो वो 60 पदों की वृद्धि का कन्फर्मेशन अभी तक बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ विभाग द्वारा। जैसे ही वो कन्फर्मेशन प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद ये आपके रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। बाकी आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट है वो तैयार है, ऐसा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है। जैसे कि आपको मालूम है, पहले इस भर्ती परीक्षा में जब आपके परीक्षा आयोजित की गई थी, तब उसमें आपके 202 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी के 175 पद है और टीएसपी के आपके 27 पद है, और अब इसमें 60 पद और बढ़ जाएंगे, जिससे कि ये भर्ती परीक्षा आपके 262 पदों पर आयोजित की जाएगी। अब 60 पदों में कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण जैसे ही आएगा, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी मैं कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब मैं बात करता हूँ, 202 पद है वो आपके कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं, बाकी जो 60 पद ऐड होंगे वो जब ऐड होंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपके जो 202 पद है वो कौन सी कैटेगरी में कितने हैं, तो सबसे पहले मैं आपके बात करूंगा नॉन टीएसपी में। आपको थोड़ा ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ये पीडीएफ इसी तरह से मैं आपको बोल के बता दूंगा जिससे कि आप समझ जाओगे। तो नॉन टीएसपी में कुल 175 पद हैं, इसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला के 51 पद हैं, विधवा के 4 पद हैं और परित्यक्ता का 1 पद है। इसके बाद आपके आती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति में बात करें तो सामान्य महिला के 23 पद हैं, विधवा का 1 पद है और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें सामान्य महिला के 36 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं और परित्यक्ता के लिए 1 भी पद नहीं है। नेक्स्ट आपकी आती है अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग में बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य महिला के 30 पद है, विधवा के 2 पद है और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के बाद आपका आता है अति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग में आपके सामान्य महिला में 7 पद हैं, विधवा और परित्यक्ता के लिए 1 भी पद नहीं है। अब ये 60 पदों का वर्गीकरण जब डिटेल में आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो इसमें आपके सामान्य महिला के 14 पद है, विधवा का 1 पद है। बारह जिले की शहरी जनजाति की बात करें तो इसमें सामान्य महिला के 3 पद है, विधवा और परित्यक्ता के लिए 1 भी पद नहीं है। इसके बाद यहाँ स्पष्ट रूप से भी लिखा हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र में, गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य महिला के 19 और विधवा के 1 पद बैकलॉग के, जो ऊपर वर्णित अनुसूचित जनजाति के पदों में शामिल है। यानी कि 19 और 1 विधवा का पद और सामान्य महिला के 19 जो अनुसूचित जनजाति के जो ये 36 पद है, इसमें बैकलॉग के भी जो पद है वो ऐड है, और विधवा के जो 2 पद है इसमें 1 पद वो बैकलॉग का भी ऐड है। अब बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में,
हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं दिव्यांग जन में BLV कैटेगरी में 2 पद हैं, HI कैटेगरी में 2 पद हैं, LDCP में 1 है, MI SLD में भी 1 पद है। इसके बाद आपके आते हैं एक्स सर्विस में। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो जनरल कैटेगरी के 7 पद हैं, SC कैटेगरी के 3 पद हैं, ST कैटेगरी में 4 पद हैं, OBC कैटेगरी में 4 पद हैं और EWS कैटेगरी में 1 पद है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में 3 पद है। ये तो आपके थे नॉन TSP की। अब बात करूंगा TSP की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता है TSP में आपके 27 पद है, उसमें से जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला के 12 पद हैं, विधवा का 1 पद है और परित्यक्ता के लिए 1 भी पद नहीं है। इसके बाद आपकी आती है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में सामान्य महिला का 1 पद है और विधवा परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद आपका आता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में सामान्य महिला की 12 पद है, विधवा का 1 पद है और परित्यक्ता के लिए 1 भी पद नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँ तो अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य महिला के 2 पद बैकलॉग के हैं, जो ऊपर वर्णित अनुसूचित जनजाति के पदों में शामिल है। यानी कि जनरल कैटेगरी के जो 2 पद बैकलॉग के हैं अनुसूचित जनजाति में, वो भी इसमें आपके जो 12 पद है इसमें 2 पद बैकलॉग के भी ऐड है। अब बात करता हूँ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ BLV कैटेगरी में 1 पद है विशेष योग्य जन में, उसके बाद HI में कोई भी पद नहीं है, LDCP में भी नहीं है, MI SLD में भी नहीं है। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में जनरल कैटेगरी में 1 पद है, SC कैटेगरी में 1 भी पद नहीं है, ST कैटेगरी में 1 पद है। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी में भी कोई पद नहीं। ये तो आपके थे जो भर्ती का विज्ञप्ति जारी हुई थी उस समय 202 पदों पर यह आयोजित की गई थी परीक्षा, वो पदों का वर्गीकरण था। अब 60 पद और ऐड होंगी, इसके बाद ये आपके टोटल 262 पद हो जाएंगे। और जैसे ही 60 पद ऐड होंगे इसके बाद बोर्ड द्वारा इसका वर्गीकरण भी जारी किया जाएगा नया, और वो कौन सा होगा उसके बारे में भी आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। यानी कि टोटली आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी, चाहे रिजल्ट को लेकर हो, कट ऑफ को लेकर हो, मार्क्स के फॉर्मूले को लेकर हो, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया है, कोई भी अपडेट A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखिए, ताकि जब भी मैं आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।